हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में हम किस तरीके से, यानी टेलीकॉम एक्सेल में हम किस तरीके से कॉनकैटिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी साइट आईडी और सेल आईडी को अगर हमें एक साथ मर्ज करना है, ऐड करना है, ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं, या अपेंड करना है तो किस तरीके से करते हैं, या साइट आईडी सेल आईडी को अलग अलग करना है, ठीक है, दो कॉलम्स में हमें अलग अलग करना है अगर वो एक साथ हैं तो किस तरीके से करते हैं, वो चीज़ जानेंगे। देखिए, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में के बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए देख लेते हैं सब। देखिए, ये हमारा साइट आईडी है और ये हमारा सेल आईडी है। ठीक है, सपोज कीजिए हमारी साइट आईडी 2022, 2021, ठीक है, 1993, 1994, सपोज ये हमारी साइट आईडी है। ठीक है, होम में जाइए, इसे ठीक से फॉर्मेटिंग कर लीजिए। ठीक है, जब भी आप किसी काम को करें तो उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लें। ठीक, फॉर्मेटिंग करनी आपको आनी चाहिए सेल की। ठीक है, सपोज कीजिए हमारी साइट आईडी है और ये मेरी सेल आईडी है। ठीक है, अब आप मुझे करना क्या है, साइट आईडी और सेल आईडी को एक साथ ऐड करना है और उनके बीच में इस तरीके का साइन आना चाहिए। देखिए, जैसे कि 2022 साइट है मेरी और इसके बीच में ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से साइट आईडी और सेल आईडी को एक साथ मुझे लाना है। तो इसको कॉनकैटिनेशन के जरिए कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, ठीक है, मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल CON C CON C मैं लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला आए, या तो आप इस पर क्लिक कीजिए या फिर आप टैब टैब की होती है उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही टैब की होगी प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जो पहली साइट आईडी है, आपको साइट आईडी लेनी है। ठीक है, साइट आईडी लेने के बाद हमें चाहिए क्या था, उसके बाद हमें माइनस वाला जो साइन होता है, ठीक है, उसको लेना है। वो लेंगे कैसे, पहली साइट आईडी सेलेक्ट करी, उसके बाद शिफ्ट के साथ अपने कीबोर्ड से 7 वाली की दबाएंगे तो एंड का साइन आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ एंटर के पास वाली की दबाएंगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का, यहाँ पे जानते हैं डबल इनवर्टेड कॉमा जो होता है, ठीक है, यह आ जाएगा। फिर माइनस वाला साइन दबाना है आपको, फिर से यही शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, फिर से शिफ्ट के साथ 7 की दबानी है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास यहाँ तक होने के बाद आपको जो अपनी दूसरी यहाँ पे सेल आईडी है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और सिर्फ एंटर करना है। देखिए, साइट आईडी और सेल आईडी एक साथ ऐड हो गई है। ठीक है, यह भी 2-3 साइट आईडी हैं तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे फॉर्मूला ना लगा के। जैसे डायरेक्ट आपने यहाँ पे लिख दिया 2021 7 1993 8, इस तरीके से आप 2-4 साइट आईडी में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपके पास 100 1000 इस तरीके से साइट आईडी हैं तो उनको किस तरीके से कॉनकैटिनेट करना है वो इस तरीके से फॉर्मूला लगा कर आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड आपको सिंपल करना क्या है, सिर्फ इक्वल लिखना है, उसके बाद जो पहले वाली वैल्यू है उसको सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ ये वैल्यू लानी है, माइनस प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ फिर से ये वैल्यू लानी है, ठीक है, जो आपका सिंबल है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ फिर से 7 प्रेस करना है, उसके बाद ये जो मेरी सेल आईडी है उसको सेलेक्ट करना है और सिर्फ एंटर कर देना है। ठीक है, देखिए, देख सकते हैं आप, अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा फॉर्मूले को तो सभी की जो वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, ये सेकंड मेथड हुआ। थर्ड मेथड जानते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड में करना क्या है आपको, सिर्फ सपोज कीजिए आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2022, उसके बाद में ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, सभी के साथ में ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिर्फ इन दोनों को कॉनकैटिनेट करना है। ठीक, तो आप करेंगे क्या, सिर्फ इक्वल का साइन लगाएंगे, पहले वाली वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर एंड लिखेंगे,
फिर दूसरी वाली वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है और इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तरीके से आप किन्हीं भी वैल्यूज़ को, साइट आईडी या सेल आईडी, उनको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये इतना हो गया। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे साइट आईडी और सेल आईडी एक साथ हैं। ठीक है, 2022 6 2022 7। ठीक है, ये आपके पास साइट आईडी और सेल आईडी एक साथ हैं। ठीक है, उनके बीच में साइन लगा हुआ है। ठीक, अब आपको करना क्या है, इनको अलग अलग करना है। ठीक है, मैं देखिए और काफ़ी वैल्यूज जो भी बनाना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी साइट आईडी होगी और उनके साथ में सेल आईडी भी। अब मुझे करना क्या है, साइट आईडी और सेल आईडी को अलग अलग करना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा में जाएंगे, यहाँ पे होता है टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, अगर आपके इन जैसे साइट आईडी और सेल आईडी के बीच में कोमा लगा हुआ है तो कोमा पे क्लिक करेंगे, और ये वाला साइन है तो इस पर अदर पे टिक करने के बाद यहाँ पे उस वैल्यू को, जो आपका की है उसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर फिनिश कर देंगे। देखिए, ये साइट आईडी और सेल आईडी मेरी अलग अलग हो गई है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये मेरी साइट आईडी सेल आईडी है। ठीक है, इसके लिए मैं डेटा में जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे दोनों साइट आईडी और सेल आईडी के बीच में जो भी मेरा सिंबल है उसको प्रेस करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। ठीक है, ये साइट आईडी सेल आईडी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक, अब मैं करता हूँ कंट्रोल जेड फिर से। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, आपने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल एच प्रेस किया। ठीक है, अब देखिए, आप चाहते हैं कोई एक वैल्यू रहे। ठीक है, अगर आप माइनस जो इसके बीच में साइन है उसके बाद, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार लगाएंगे और रिप्लेस करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग वाली जो साइट आईडी है सिर्फ वो रह जाएगी। ठीक है, जो साइन है, ठीक है, उसके बाद स्टार लगाएंगे तो बाद वाला गायब होगा। ठीक, और अगर जो साइन आपका लगा हुआ है, सिंबल आपका है, उसके पहले स्टार लगाएंगे तो पहले वाली वैल्यू गायब हो जाएगी। कैसे, देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एच करूँगा और इस स्टार को सिर्फ पहले लगा दूँगा। ठीक है, और मैं रिप्लेस करूँगा तो मेरी जो पहले वाली साइट आई डी थी वो हट जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से, अगर मैं कंट्रोल एच करके स्टार को बाद में लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो इस साइन के बाद वाली वैल्यू है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, स्टार और उसका कंट्रोल एच करके आप साइट आईडी सेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं, या आप डेटा में जाके इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी यूज होते हैं टेलीकॉम में। ठीक है, कॉन्केटिनेशन और स्टार एज वाला जो वैल्यूज़ है ये काफ़ी यूज होती हैं, तो आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।